मेरा नाम अक्षय कुमार है, मैं जम्मू से हूँ। 28 फरवरी की बात होगी, मैं जॉब से घर जा रहा था, शाम का टाइम था 7:30 बजे का, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया जिससे काफी इंजरी हुई मेरे को, और लगने के बाद मेरे को बिल्कुल होश नहीं रही। और वहां जैसे लोगों ने देखा मुझे, मैं पड़ा हूँ, किसी ने मेरा फोन निकाला, वहां से मेरे भाई को कॉल की। जब कॉल की तो मेरे भैया आ गए 10 मिनट बाद, मेरे को बिल्कुल होश ही नहीं थी। हेलो, मेरा नाम सुनील है, ये मेरा छोटा रियल ब्रदर है। जैसे मेरे को कॉल आई तो तुरंत ही मैं 10-15 मिनट के बाद इसके पास में पहुंच गया था। इसकी बाजू में ऐसी इंजरी आई थी, टांग में ऐसी इंजरी आई थी, मैं कितनी बुरी हालत थी, इसकी होश बिल्कुल नहीं थे इसके। जैसे मेरे नाम ने मेरे को बोला कि अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में खुला हुआ है, तो तुरंत हम वहीं पहुंच गए पठानकोट में। जैसे ही वहां पहुंचे, हम शाम को 12:30 बजे मैं उधर पहुंच गया। उसी टाइम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और डॉक्टर से मेरी बात हुई। डॉक्टर हमारे नवजोत सर डॉक्टर जी हैं, जो उन्होंने इसका पूरा ट्रीटमेंट किया, इसका बाजू का ऑपरेट किया, इसका लेग का इसका ऑपरेट किया, राइट हैंड का इसका ऑपरेट किया। बहुत ही अच्छा ऑपरेट हुआ, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया और हर एक एक चीज करके मेरे को पूरा उन्होंने चेक करके अच्छी तरह मेरे को बताया कैसा होता है कैसा नहीं होता है। और अदर इंजरी बहुत अच्छी इसको आई हुई है, तो वो भी इसका पूरा अच्छी तरह मैंने पूरा ख्याल किया। जब मेरा ऑपरेट हो गया, जब मेरे को होश आई, तब मैं देखा मैं अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में हूँ, तो बाजू ऑपरेट हो चुकी थी, टांग भी हो चुकी थी, हाँ एक जो राइट हैंड है वो रह गया था। तो डॉक्टर को मैंने देखा, डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने अच्छी तरह बात की, उन्होंने बोला टेंशन नहीं ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक डर था, यंग एज है, कुछ भी हो सकता था, कि मैं मेरा काम ही अकाउंट्स का है, मेरा हाथ चलता नहीं था, तो मैं तो बड़ा घबरा गया था कि नहीं मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। बट उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और बोला नहीं विश्वास रख, सब कुछ हो जाएगा, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत से केस ऐसे आते हैं, हमारा काम ही ठीक करना है। तो एक हौसला रखा, ठीक है मैंने विश्वास रखा, जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसा करता। फिर उन्होंने मेरे को वार्ड पर शिफ्ट किया, फिर वहां मेरे को थोड़ी थोड़ी होश आना स्टार्ट हुई। फिर मैं 10 या 15 दिन वहां रहा, डॉक्टर ने मुझे जैसे जैसे बोलते हैं कि 10 दिन बाद आप चेकअप ले आओ, मैं गया, मेरा हाथ चलता नहीं था बिल्कुल, आज के दिन में बिल्कुल चल रहा है। जब मैं हॉस्पिटल में जब एडमिट हो गया था, मेरा ट्रीटमेंट सारा हुआ वहां पे, तो मेरे को एक डर रहता था कि मेरा वेट है 115 किलो के करीब है, तो मैं सोचता था कि मैं चल नहीं पाऊंगा। तो डॉक्टर ने बोला विश्वास रख चलेगा। 3 महीने बाद डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि पाँव लगाना स्टार्ट कर दे। मुझे फीसों की भी जरूरत नहीं पड़ी, टांग मेरी तब तक ओके हो चुकी थी, आज मैं अपने टांग में खुद चलता हूँ, वो मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुद चलता हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। हाथ की टेंशन थी, हाथ भी ऑलमोस्ट हो गया है, राइट हैंड भी ठीक हो गया, पूरा ओके हो गया। मेरे जैसे जो कोई है जाना चाहता है कि मैं बोलता हूँ अमनदीप जाओ, डॉक्टर नवजोत सिंह अच्छे हैं, नजदीक है, जम्मू के नजदीक पड़ता है, हम अमनदीप की दूसरी ब्रांच भी है अमृतसर, जो इंसान वहां नहीं पहुंच सकता आपके पास ऑप्शन है, आप पठानकोट जाओ, वहां बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, वहां के जो स्टाफ है, वहां की जो नर्सेस है, वहां का सारा स्टाफ अच्छा, आपके साथ बिहेवियर है उनका, सब कुछ आपको वहां अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हो गया हूँ, मैं आपके सामने हूँ, मेरी बाजू चल रही है, मैं बाजू ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बट मेरे को वहां अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर नवजोत, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। ये पेशेंट मिस्टर अक्षय एक यंग मुंडा सीगा जिहदा हाई एनर्जी ड्रामा एक्सीडेंट होया 6 महीने पहला। इहनूं जम्मू तो इत्थे साडे हॉस्पिटल विच लियाया गया। इहदे पेशेंट दे मल्टीपल इंजरी सीगियां, इहदे पट दी हड्डी टुटी हुई सी, गोडे ते लत ते काफ़ी इंजरी सीगियां, ते इहदी बांह वाली हड्डी भी टुटी हुई सी, ते इहदे रिस्ट भी फ्रैक्चर सीगा। अबव ऑल पेशेंट काफ़ी मॉरबिडली ओबीस सीगा, काफ़ी मोटा पेशेंट सीगा, एंड पेशेंट दे जदों आया सी हालत काफ़ी नाजुक सीगी। बट एक मल्टी डिसिपलनरी अप्रोच नाल असी अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट विच पेशेंट स्टैप बाय स्टैप मैनेज किया। इहदे नर्व रिपेयर की गई, बोनस नूं फिक्स किया गया, जख्म दा इलाज किया गया, स्टैप बाय स्टैप यह ओपरेट किए गए, तो अज रब की दया नाल साडे काम नूं बरकत मिली है, तो पेशेंट हैप्पीली एंड सैटिस्फाइड हैगा, तो वह अपने कदमों पर चल रहा हैगा। तो असी बहुत शुक्रगुजार हाँ साडे पेशेंट्स से, जिन्होंने साडे ते ट्रस्ट है, तो साडे काम की काबिलियत करन च विश्वास रखते हैं। तो मैं यही दुआ करांगा कि सारे पेशेंट इस तरह ही ठीक हो के जान। शुक्रिया।